अगली खबर आ रही है खरगापुर से, जहां खरगापुर विधानसभा के हीरापुर नजदीक सरकनपुर गांव में विधायक राहुल सिंह लोधी पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत शिविर लगाया। शिविर में एसडीएम सौरभ मिश्रा, तहसीलदार राजेश मिश्रा, जनपद कनिष्ठ अभियंता और सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। शिविर में 4 ग्राम पंचायत के लोग शामिल हुए। सभी ने अपने अपने आवेदन विधायक को दिए, जिन आवेदनों पर अधिकारियों ने जांच कर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ा। जन समस्या निवारण शिविर में 200 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। विधायक राहुल सिंह लोधी ने कहा, सभी आवेदनों का निराकरण 7 दिवस में किया जाएगा। शिविर के दौरान विधायक ने कहा, कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा। कुछ आवेदनों पर तो तुरंत ही कार्यवाही की गई और लाभ भी दिया गया। उन्होंने कहा, 1 महीने से अधिक शिविर का आयोजन जगह जगह किया जाएगा। जिन लोगों ने पिछले शिविर में आवेदन दिए थे, उन लोगों को आदेश दिए गए और लाभ दिया गया। कार्यक्रम के दौरान एसडीएम सौरभ मिश्रा ने कहा, जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, उन सभी का जल्द ही निराकरण किया जाएगा। और उन्होंने कहा, जिनकी भी जाति प्रमाण पत्र बनने हैं, वह हैं आवेदन करें, जिससे जल्द से जल्द जाति प्रमाण पत्र बनाए जा सके। शिविर के दौरान विधायक एवं सभी अधिकारियों और थाना प्रभारी मैना पटेल एवं स्टाफ के द्वारा लोगों को नशा मुक्ति अभियान की शपथ दिलाई गई और यातायात से संबंधित निर्देशों का पालन करने के लिए लोगों से हेलमेट लगाने की शपथ भी दिलाई, जिससे कि लोग जागरूक हो सके और वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन कर सके। शिविर के बाद अनुविभागीय अधिकारी सौरभ मिश्रा ने कहा कि जितने भी जमीन से संबंधित नामांतरण है, उन पर भी कार्य किया जा रहा है और राजस्व विभाग के सभी कार्यों पर कार्यवाही की जा रही है, जिससे आवेदकों को भटकना ना पड़े। ठीक है, इनका बीपीएल तो माँ का नाम बनेगा तुम्हारा, छोटे हो। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत शिविर लगाया गया, उसमें 200-250 आवेदन प्राप्त हुए और 50-60 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण कर लिया गया और कुछ आवेदन आए हैं वो सभी अधिकारियों को दे दिए गए हैं और एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, महिला बाल विकास के ओआईसी, पुलिस विभाग के सभी कर्मचारी आज इसमें मौजूद थे। सब ने अपने अपने विभाग के आवेदन ले लिए और एक हफ्ते के अंदर उस पर कार्रवाई करने के लिए सबने बोला है और हमारा प्रयास यही रहता है कि जो मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान जो चल रहा है उसमें जो पात्र हितग्राही उनको तत्काल लाभ मिल जाए। ऐसे 2-3 आवेदन आज आए हैं जिनका मौके पर ही निराकरण हो गया, जिनको गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा था उनको सिलेंडर दिलवा दिया है, जिनको महिला बाल विकास में आवेदन दिया था उनको तुरंत लाभ पहुंचाया और वृद्धा पेंशन के 10-20 आवेदन थे, उनमें से 5-6 लोगों के वृद्धा पेंशन तत्काल स्वीकृत करके जारी कर दिए। और पशु के लिए हमने पशु विभाग में बहुत अच्छी स्कीम है रोजगार के लिए, बकरी पालन की, भैंस पालन की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पशुपालन के लिए बकरी पालन में अभी 10-15-20 आवेदन आए हैं और जब से कैंप लगा रहा हूं मैं तब से करीबन 200-250 आवेदन आ चुके हैं पूरे यहां पर खरगापुर विधानसभा। तो मेरा ये प्रयास है कि जितने भी आवेदन आए सब में कार्रवाई हो जाए और सब लोग स्वरोजगार से जुड़ जाएं, अपना सबका रोजगार हो जाए ताकि किसी और पर डिपेंडेंसी नहीं रहे उनकी, अपना खुद। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान चल रहा है, शिविर चल रहे हैं लगातार, उनके उन हर एक शिविर में माननीय हमारे विधायक महोदय का पूरा ध्यान है और उनके तरफ से भी लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं पूरी विधानसभा में। इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि न सिर्फ लोगों के जो निराकरण है वो मौके पर हो रहे हैं जैसा कि आपने आज लोग देखा आज, बल्कि आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार की बहुत सारी ऐसे लोग प्रण ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, रोजगार ले रहे हैं, जो कि बहुत ही एक नायाब तरीका है। मैं मतलब ये समझता हूँ कि शायद प्रदेश में ये बहुत ही अच्छी पहल है और इस चीज़ को बहुत अच्छे से अनुकरण किया जा सकता है, जैसे कि बकरी पालन के या पशुपालन विभाग की जो योजनाएं हैं जो एक अलग आय का स्रोत बनता है वो बहुत कम जगह है और मुझे लगता है कि बल्लेगढ़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। मौके पर निराकरण देना, राजस्व के प्रकरणों का निराकरण देना हमारे पूरे राजस्व विभाग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन आपने देखा होगा कि लोगों ने बताया और लोगों के निराकरण हुए और किसी प्रकार की कोई शिकायत भी नहीं हुई। आगे भी हम लोग पूरे अपने विभाग, अपने पूरे जो कर्मचारी हैं उन सबके साथ मिलकर ऐसा ही निराकरण करते रहेंगे और जिससे जो जनता यदि कभी नहीं पहुँच पाती है हमारे कार्यालयों में या फिर समय पर नहीं पहुँच पाती है, निराकरण नहीं हो पाता है, तो वो ऐसे शिविरों में भी निराकरण हो और लोगों को सुविधाएँ मिलें, यही इसका उद्देश्य है, यही हम लोग लगातार कर रहे हैं।